आई थिंक आपने काटा सबको मनोज साहब की कुर्सी पे कहा था कि वीडियो में आपसे झूठ नहीं बोला जाता, तो आज को हमको सच बताइए कि आप विदाउट प्रेशर मुजाकरा मुजाकरा कर रहे हैं किसी कम्युनिकेशन में पीटीआई से मुजाकरा कर रहे हैं, तो सभी के सब पहले आपको मौका थोड़ा सा समझ कर सकते हैं वाले लोग नहीं है जो हमें जानते हैं, ये बात अच्छी से जीतने वाला होगा वो जीत जाएगा, हारने वाले मानेगा नहीं और आगे फिर इलेक्शन होगा। अब जो हमारी बातचीत आपस में हुई है उसमें हम कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब आए हैं, और अगर दूसरा फरीक भी सबर का गुजारा कर ले तो अब ये चंद हफ्तों की बात है, ये कोई कई महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमें ये रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पे और 88 में जब फ्लड आए थे उस वक्त भी इलेक्शन आगे गया था, तो वायलेशन नहीं है हम समझते। हमने अदालत में भी ये बात की है, हमने ये भी कहा है कि अगर अपील नहीं डाला गया तो अगर मौजूदा अदालत सुओ मोटो ले सकती है तो मौजूदा अदालत इन नकात पर भी गौर कर सकती है। अगर कोई नुकता हमारी जानब से नहीं उठाया गया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बामानी मुज़ाकरात किए, कोई डिले नहीं किया, और हम आज फिर कहते हैं हम अपनी आइनी मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस मौके पे जब एक माशी बहरान है, एक सियासी खींचातानी का माहौल है और IMF का वायदा नहीं हुआ, हमने तमाम शर्तें भी पूरी कर दी हैं, बजट सामने आ रहा है, तो इमरान खान साहब को किस बात की जल्दी है? ये कोई साल या 6 माह का उनको प्रोग्राम तो नहीं बताया जा रहा? क्या वो चंद हफ्ते सबर नहीं कर सकते? पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में क्यों ज़रूरी है कि इंतखाबात जो हैं वो 14 तारीख को या उसके 10 दिन बाद हों? हम जो मुकर्रा वक्त है उससे कुछ पीछे आए हैं मुज़ाकरात में, हमने लचक भी दिखाई है, मकसद ये था कि एक पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं, गालियाँ खा के मुहतान लगवा के कौन सा इल्ज़ाम हम पे नहीं लगा और लंबी लंबी जेलें काट के, तो ये हमने अपना आज माफ़ी ज़मीर जो है वो अदालत में बयान किया है। हम फिर कहेंगे कि PTI को जिद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सूबाई असम्बलियाँ उन्होंने अपनी विल और विश से तोड़ी है। अब ये नहीं हो सकता आप रोज़ इस्तीफ़ा दें, हम आपके इस्तीफे को गोद में लेके उसको लोरी देते रहें, फिर इस्तीफे वापस कर दें। माशाल्लाह इतने बड़े हो चुके हैं, पिछली बार भी आप इस्तीफे दे के भाग गए, 126 दिन का धरना दिया, हमने आपके इस्तीफे वापस कर दिए, अब आप दोबारा ये काम करना चाहते हैं तो हम कितनी बार आपकी असेंबली की नशस्तों की हिफाजत करेंगे? आपको ये हिफाजत खुद करनी चाहिए थी, आपने अपनी हुकूमतें खुद तोड़ी किसी ने एक नियति से नहीं, इसलिए कि बहरान पैदा होगा, प्रेशर बिल्ड होगा। भाई अब बलोचिस्तान की असेंबली को और सिंध की असेंबली को कैसे डिक्टेट करेंगे कि चूँकि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है इसलिए अब आप भी अपनी असेंबलियाँ तोड़ें? हम ये पंजाब पर इल्ज़ाम लगाने की ना इजाज़त देंगे ना ये मैं कबूल है, बैठना चाहिए, मजीद बात होनी चाहिए, मेरा ख्याल है रास्ता निकल सकते। तीन चार पे अता में इस्तेमाल करके आ रहे हैं, आइन के मुताबिक है ना, और जो PDM है या जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो सारा ये चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत आइन के मुताबिक जाए और आइन को वायलेट हम नहीं करना चाहते। भैया जब हम यहाँ आते हैं तो अपने पार्टी हेड्स के गिवन मैंडेट से आते, उस मैंडेट के बगैर नहीं आते। अगर किसी साथी को एतराज है उसे पार्टी लीडर से बात करनी चाहिए, कोई भी पार्टी कैसी है कि आपकी तरफ से दस्तखत भी नहीं थे वहाँ पर जो जवाब जमा कराया सिवाय एक बंदे के, आप लोग एक तरफ कह रहे हैं, दूसरा ये कि बेंचेस पे आप इतराज़ करते हैं, ऐवान में अदालत के कंडक्ट को डिस्कस करते हैं और यहाँ पर आकर आपने जिस तरह गुफ्तगू की अच्छी गुफ्तगू की लेकिन यहाँ पर इतमाद का इजहार करें, ये बाहर और अंदर तजाद क्यों है? कोई तजाद नहीं है, जब आप पार्लियामेंट को बाईपास करने की कोशिश करेगा तो पार्लियामेंट जाहिर है रिएक्ट करेगी। सवाल है आपके शाह महमूद कुरैशी के अंदर स्टेटमेंट सुनी, उनका कहना था कि एक जो वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं मुज़ाकरात की, तकरीबन उन्होंने उसको डेडलाइन करार देकर बंद कर दिया है,
آپ نے جو کہا تھا کہ لیک آف ٹرسٹ انٹرسٹ نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے, وہ اس اعتماد کو بحال کرنے کے لیے حکومت پاکستان یا پی ڈی ایم اتحاد کیا کرے گا؟ دیکھیے, میں نے جو لیک آف ٹرسٹ کی بات کی ہے وہ میں نے سیاسی جماعتوں کے مابین بھی کی ہے اور پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان بھی کی ہے. تو یہ لیک آف ٹرسٹ تو ہوا ہے, اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج کے حالات 6 سال کی مسلسل عدالتی ناانصافیوں کا نتیجہ ہے. آپ نے سنا سارا کچھ, یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا. تو لیک آف ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے آپس میں بات چیت کی ہے اور 4 میں سے 3 نکات پہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اللہ کو منظور ہوا تو 4th پر بھی ہوگا, ورنہ جو حالات ہوں گے جو ہوگا اس کے مطابق. لوگ نہیں ہیں جو ہمیں جانتے ہیں, یہ بات اچھی سے بات.